डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पर एएम मॉर्निंग राइजर कैंपेन में आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रमोद, जो हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखने के बारे में अधिक जानकारी देंगे और साथ ही हमें बताएंगे कि अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए। सो हाय डॉक्टर प्रमोद, वेलकम टू बिग एफएम, हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. What about you? Yeah, all good. तो मेरा आपसे पहला सवाल है, डॉक्टर प्रमोद, क्या ये बात सही है कि ज्यादातर हार्ट अटैक्स मॉर्निंग में होते हैं? या मैम, डेफिनेटली ये जो हार्ट अटैक्स हैं अर्ली इन द मॉर्निंग आवर्स में होते हैं, यूजली 4 AM टू 10 AM के बीच होती हैं, जिनका रीजन ये होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स रहते हैं ये थोड़ा थिक हो जाते हैं अर्ली मॉर्निंग टाइम में। और इसका रीजन क्या होता है, जो हमारे अनप्लीजेंट हार्मोन्स होते हैं लाइक एड्रेनालिन, जो एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ये ट्रिगर करते हैं इस प्लेटलेट्स को और प्लाक को रप्चर करते हैं, जिससे कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं अर्ली मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट कैसे किया जाए? जैसा कि आपको भी पता है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमें अपने हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमें हेल्दी हार्ट डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें अपना बीपी एंड शुगर को वेल कंट्रोल रखना चाहिए और हमें स्ट्रेस का अमाउंट को कम करना चाहिए अपनी लाइफ में। एंड वी शुड नॉट यूज द ड्रग अब्यूज सब्सटेंसेज लाइक कोकेन, मैरिजुआना एंड ऑल दीज कॉजेज अर्ली कोरोनरी स्पाज्म इन द मॉर्निंग टाइम एंड कॉजेज हार्ट अटैक। एंड वी शुड नॉट टेक स्मोकिंग, स्मोकिंग शुड बी स्टॉप। सो अगर मैं स्लीपिंग पोजिशन की बात करूँ तो विच स्लीपिंग पोजिशन इज बेस्ट फॉर आवर हार्ट? मैम, स्लीपिंग का तो हम ये कह सकते हैं इट इज आइदर साइड इज बेटर, जिसमें आपको नींद अच्छी आ जाए। बट द डिक्टम इज से, दे से इफ यू गो फॉर द लेफ्ट साइड इंक्रीजेस द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, बट देयर इज नो मच डिफरेंस ऑन द आइदर साइड ऑफ द बॉडी, यू कैन स्लीप एनी साइड। तो क्या कॉजेज है अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स के? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि दीज हार्ट अटैक्स अकर अर्ली इन द मॉर्निंग, रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ अवर सर्केडियन रिदम। मॉर्निंग टाइम में जो हमारे अनप्लीजेंट हार्मोन्स होते हैं उसका सिक्रीशन थोड़ा ज्यादा होता है, जिसमें बेसिकली इपिनेफ्रिन, नॉरइपिनेफ्रिन एंड कॉर्टिकॉल ट्रिगर्स जो होते हैं, दैट इंक्रीजेज द ऑक्सीजन डिमांड एंड इट ऑल्सो कॉजेज द इंक्रीज इन द बीपी, जो हमारे हार्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं और अटैक करते हैं मॉर्निंग में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हार्ट अटैक के वार्निंग साइंस क्या हैं? बिकॉज ये जाना इट इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले हार्ट के जो सिम्टम होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी तो ये एकदम गैस की तरह, जो यूजली आपको ना हमें गैस हो, एसिडिटी होगी, इसकी तरह से मिमिक करते हैं। यूजुअल जो सिम्टम्स होते हैं हमारे, सीवियर चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट, सांस फूल जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको कहते हैं, प्लस कभी कभी हमारे जो जॉ लाइन होती है, जॉ में डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेचिंग सी होने लगती है नेक में, बैक में, बोथ आर्म्स में, शोल्डर में, और समटाइम वी फील लाइक नॉजिएटिंग, लाइट हेडेडनेस। तो ये हमारे वार्निंग सिम्टम्स होते हैं।